बड़ी खबर इस वक्त विश्व राजनीति में, पुतिन को समझने वाले ये मानते हैं कि वो कब क्या कदम उठाएंगे ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता। पुतिन अगर ठान ले तो किसी भी तरह अपने इरादे को अंजाम देते हैं। तो सवाल है कि क्या अब पुतिन ने परमाणु हमला करने का इरादा कर लिया है, क्योंकि बेलारूस में हो रही सैन्य हलचल ऐसे ही संकेत दे रही है। ब्रिटिश मीडिया आशंका जता रही है कि अंडरग्राउंड हो चुके अपने शेफ प्रिगोजिन के जरिए पुतिन बहुत बड़े हमले की साजिश तैयार कर चुके हैं। सीक्रेट ठिकाने से सीक्रेट ऑपरेशन एक्टिवेट कर दिया गया है। क्या है पुतिन और प्रिगोजिन का सीक्रेट ऑपरेशन, इस रिपोर्ट में समझिए। बेलारूस की धरती पर इस वक्त जो हलचल हो रही है उससे की भी नहीं वॉशिंगटन तक डर फैल गया है। सड़क पर चलता ये काफिला वैगनर लड़ाकों का है। रिपोर्ट है कि वैगनर लड़ाके बड़ी तादाद में बेलारूस पहुंच रहे हैं। बेलारूस के ओसिपोविची शहर में वैगनर लड़ाकों के रहने का बड़ा बंदोबस्त किया गया है। इस कैंप में अब वैगनर लड़ाके पहुंचने लगे हैं और बेलारूस की सेना को वैगनर प्राइवेट आर्मी के सीनियर कमांडर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वैगनर ग्रुप को लेकर कीव से वॉशिंगटन तक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बेलारूस की तरफ से कीव पर हमला होने वाला है? क्या वैगनर लड़ाकों के पास डर्टी न्यूक्लियर बम है? क्या वैगनर पोलैंड पर हमला करने की तैयारी में है? बेलारूस ऑपरेशन में वैगनर का नया कमांडर कौन है? वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कहां है? क्या प्रिगोजिन सीक्रेट ठिकाने के ऑपरेशन डर्टी बम को अंजाम दे रहा है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 24 जून के बाद वैगनर को लेकर रूस और बेलारूस में जो घटनाक्रम हुए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 24 जून को वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 24 जून की देर रात ही वैगनर ग्रुप ने अचानक विद्रोह खत्म करने का ऐलान कर दिया और इसके बाद प्रिगोजिन वोरोनिश शहर में नजर आया। पच्चीस जून को ऐलान हो गया कि वैगनर ग्रुप बेलारूस में रहेगा और बेलारूस सेना के साथ रहकर नए भर्ती जवानों को ट्रेनिंग देगा। लेकिन 24 जून की रात के बाद प्रिगोजिन कहीं नजर नहीं आया। हालांकि विल्नियस में हुई नेटो समिट के बाद ये सच सामने आया कि पुतिन और प्रिगोजिन की मुलाकात हुई है। 29 जून को मॉस्को में प्रिगोजिन से पुतिन ने मुलाकात की। इस बैठक में पुतिन ने वैगनर को रूस की सेना में विलय कराने का प्रस्ताव रखा। पुतिन के प्रस्ताव को वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने ठुकरा दिया। वैगनर के साथ मीटिंग में मैंने जंग में उसकी भूमिका का आकलन किया, साथ ही ये भी देखा कि 24 जून को उन्होंने क्या किया। तीसरी बात, भविष्य में उनकी सेवाएं जारी रखने के लिए संभव विकल्प दिए गए, बस यही बैठक में हुआ। प्रिगोजिन के बारे में ये आखिरी आधिकारिक खबर थी, लेकिन सच ये है कि 24 जून के बाद वो सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। बगावत के बाद माना जा रहा था कि प्रिगोजिन से पुतिन बगावत का बदला लेंगे और वैगनर लड़ाकों को पहले की तरह ही युद्ध में उतार दिया जाएगा। लेकिन अब रूस में वैगनर ग्रुप का अस्तित्व भी खत्म कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि कानूनी तौर पर वैगनर प्राइवेट आर्मी का रूस में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन रूस में कहा जाता है कि रूस सरकार के बिना समर्थन के वैगनर ग्रुप नहीं चल सकता है, जबकि वैगनर अभी भी बेलारूस में है। वैगनर के अस्तित्व पर पुतिन का बयान आने के बाद प्रिगोजिन की एक तस्वीर भी आई है। दावा किया जा रहा है कि ये प्रिगोजिन की नई तस्वीर है। प्रिगोजिन की तस्वीर में ऐसे कई सुराग हैं जिससे उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रिगोजिन एक फोल्डिंग बेड पर बैठा है। ये बेड एक फौजी टेंट में लगा हुआ है। टेंट में बिजली कनेक्शन भी नजर आ रहा है। कुछ इसी तरह के टेंट बेलारूस के ओसिपोविची शहर में लगाए गए। जिस तरह की खिड़की प्रिगोजिन की टेंट में दिख रही है उसी तरह की खिड़कियां ओसिपोविची के कैंप में लगाए टेंट की भी हैं। तो क्या प्रिगोजिन फिलहाल बेलारूस में है, क्योंकि बेलारूस में लगातार वैगनर ग्रुप के लड़ाके इकट्ठा हो रहे हैं। ओसिपोविची कैंप के टेंट धीरे धीरे भरते जा रहे हैं।
तो क्या पुतिन और प्रिगोसिन के बीच समझौता हो चुका है और कीव पर सबसे बड़ा परमाणु हमला होने वाला है। ये आशंका इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वैगनर के पास परमाणु हथियार होने की आशंका जताई जा रही है। वैगनर के ओसिपोविची में वैगनर कैंप न्यूक्लियर बेस से 25 किलोमीटर दूर है। 24 जून को वैगनर ने वोरोनिश के सैन्य बेस पर कब्जा कर लिया। यहाँ से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी चोरी होने की आशंका जताई गई है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि वैगनर के पास मिनिएचर न्यूक्लियर चार्ज है। ये इतने छोटे बम हैं जिन्हें एक बैग में रखा जा सकता है। बेलारूस में अचानक बढ़ी वैगनर की गतिविधि क्या इसी बात का संकेत है कि वोरोनिश सैन्य बेस से चुराए न्यूक्लियर हथियारों की बरसात कीव पर हो सकती है? यूक्रेन इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदनेव ने कहा है कि वोरोनिश सैन्य बेस से वैगनर ने एक डर्टी बॉम्ब पर कब्जा किया है। बेलारूस में बढ़ती वैगनर की तादाद के बाद जेलेंस्की ने अपने टॉप कमांडरों के साथ बैठक की और बेलारूस की तरफ सैन्य तैनाती बढ़ाने पर फैसला लिया है। बेलारूस में बढ़ती वैगनर फोर्स की तादाद से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला हो सकता है। पोलैंड पर भी बेलारूस की तरफ से हमला हो सकता है। वैगनर ग्रुप यूक्रेन या पोलैंड में डर्टी बम विस्फोट कर सकता है। आशंका ये भी है कि वैगनर के जरिए रूस सीक्रेट न्यूक्लियर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। वैगनर को डर्टी बम देकर पूरे यूरोप को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। वैगनर ग्रुप के जरिए पुतिन ने बड़ा दांव चल दिया है। अगर किसी देश पर डर्टी बम विस्फोट होता भी है तो इसका दोष सीधे रूस के सिर नहीं मढ़ा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।